अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पे। पाइसिस वीकली हॉरोस्कोप 19 to 25 सितंबर, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? पाइसिस, मैंने लास्ट वीक भी जो है कुछ चीज़ें आपको अपडेट की मार्स और वीनस की सूरत में, और आज जो है दो बड़ी तब्दीलियाँ। सबसे पहले तो सन जो कि आपके सेवंथ पार्ट में मौजूद है, ये आपके जाइचक के एट्थ पार्ट में चला जाएगा और ये 23rd को होगा। 23rd को ही शर्फ़ कमर होगा जो कि आपके जाइचक के तीसरे घर में होना है, ये आपके पांचवें घर का भी आपके में, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मजबूत तौर पर देखूँ तो आपको कदरे मोहतात रवि जो है वो अभी भी इख्तियार करनी पड़ेगी। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जाइचक के 12वें घर में और रेट्रोग्रेड जो है वो चल रहा है, ये आपके 10वें कैरियर रोजगार से भी मुतालिक है। सो डेफिनेटली आप अपने कैरियर और रोजगार के हवाले से थोड़ा सा वरिड भी चल रहे हैं और जो आप चाह रहे थे वो आप कर नहीं पा रहे, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे। सो इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस जो है वो करने की जरूरत होगी। आपके दो सहबाब अब आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे जितनी के आम रूटीन में वो करते थे। वजह क्या है? वजह इसकी है सरस्वती। चूंकि सैटर्न जो कि आपके 11वें का लॉर्ड है, ये अब आपके जाइचक के 12वें घर में आ गया, लाशौरी तौर पे आपको कुछ गुड वेव्स नहीं आ रही और ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो है वो साबित होगा। आपके खाना माल का हाकिम से यार अभी 8वें घर में चला गया, अखराजात में कुछ तेजी भी, कुछ इजाफी अखराजात और कुछ हाथ थोड़ा सा टाइट होने की तरफ जा रहा है और आपको कुछ अखराजात करने पड़ेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर भी और अपने स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी। ये आपके लिए अब बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन जो है बन गई। इसको अब बजाय इसके कि हम जब प्रॉब्लम में आ जाएं फिर हम इसका इलाज करें, उसकी बजाय थोड़ा सा पहले क्यों ना कर लिया जाए। जैसे हम हिफाजती टीके लगवा लेते हैं, बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स हम ले लेते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह आप रोजाना 261 मरतबा या मालिको या कुद्दूस पढ़ना अपनी रूटीन बना लीजिए। आप ये समझ लें कि अगर आपने ये काम किया तो फिर आपके लिए बहुत सारे मामला जो है वो इंशाल्लाह आसान होते चले जाएंगे। और हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दीजिए या जितना भी आप अफोर्ड करते हो, लेकिन सदका जरूर दीजिए। मैंने एक फरमान पढ़ा था कि आप सदका जरूर दें, बेशक एक खुरमा ही दे दें। खुरमा कहते हैं एक खजूर को। यानी फरमान यह है कि आपके पास अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो भले एक खजूर सदके के तौर पे दें जरूर। और यहां पे मैंने आपको बताया आप कुछ भी नहीं हो, एक मुट्ठी भर लें, आप कोई भी सुरक्षित चीज दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, मिर्चें दे दीजिए, कि लेकिन कोशिश कीजिए कोई ऐसी चीजें जो किसी डिजर्विंग पर्सन के काम आ जाए, ये सबसे बेस्ट होगा। आपके बहन भाई अजीज वकारब के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे आपके लिए बेहतरी आ रही है और आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का प्लान भी बन सकता है। कुछ बहन भाइयों के साथ कुछ स्पिरिचुअल मामलात के ऊपर डिस्कशन होगी, नॉलेज गेन कर सकेंगे, स्पेशली अगर आप फनून लतीफा से रिलेटेड हैं, आर्ट गैलरी और जिसको हम कहते हैं फिल्म थिएटर, इससे मुतलका है तो आपको नई जो है वो ऑप्शंस भी मिलेंगी और आप इसकी तरफ जो है वो माइल भी होंगे। चौथे घर का हाकिम 8वें घर में, तो ये आपको थोड़ा सा डिप्रेस करता नजर आ रहा है जिसकी वजह से मार्स भी साथ है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई भी रह सकता है आपका। इसके लिए आपको इसमें आजम है या अलियो या अजीम, इसकी एक तस्वीर रोजाना पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ये छोटे छोटे लेकिन इंतहाई जूद असर जो है वो रेमेडीज हैं परवरदिगार के इस्मा हुस्ना है, इनको इख्तियार कीजिए, इससे आप अपने मामलात बहुत सारे मामलात जो है वो बिगड़ने से बचा लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी सवारी की खरीदो फरोख्त में जल्दबाजी से गुरेज कीजिए, घर का माहौल अपने डिप्रेशन की वजह से खराब ना कीजिएगा। पांचवें घर का हाकिम, ये सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की आपके लिए। पांचवें घर का हाकिम 23 सितंबर को शफियाब होगा जाइचक के तीसरे घर में, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी और औलाद के हवाले से कोई गुड न्यूज मिल सकती है या आपके बच्चों की कोई बड़ी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है, उनकी गुड लक बिल्कुल अरूज पे होगी। इसको नोट कर लें, 23, 24, 25 ये 3 दिन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें आपको कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो जरूर मिलेगी। और जब आप इस खुशखबरी को हासिल कर लें तो कम से कम मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी प्रेडिक्शन किस हद तक जो है वो एक्यूरेट रही। उसके अलावा
आपकी जो लव लाइफ है उसमें बेहतरी आएगी, बच्चों की तरफ से कंफर्ट जोन में जाएंगे, एजुकेशन आपकी बेसिक को स्केल 1 से 12 की या 12 से 14 की, दोनों में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी जो है वो मौजूद है और परवरदिगार के फजल से ये मामला आपके बड़े अच्छी जो है वो चलेंगे। इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी बहुत अच्छा होगा और ये जो टाइम है 23, 24, 25 इसमें अगर आप प्राइस बॉन्ड वगैरह लेते हैं तो ये भी आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके प्राइस बॉन्ड निकलने की कभी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन कि आपके जायचा पैदाइश में जो है वो इस चीज की गुंजाइश मौजूद है। अगर जायचा पैदाइश में गुंजाइश मौजूद है तो ये समझ लीजिए चूंकि जनरल प्रेडिक्शन है तो 70% के चांसेस आपके बन देंगे, और अगर जायचा पैदाइश में मौजूद नहीं है आपके चांस तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए तकरीबन 25% तक जो है वो चली जाती है। छठे घर का हकीम आपके जायचे के सातवें घर में मौजूद है, मैंने कहा था आपके शिके याद के मिजाज में थोड़ी सी तेजी भी होगी और आपके कोई जो आपकी हिडन एनिमीज आपकी सॉरी आपकी एनिमीज या आपके एम्प्लॉयज में से आपके रिलेशनशिप को कोई खराब करने की कोशिश कर सकता है। ये 23 को सन आपके जायचे के 8th हाउस में चला जाएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होगा। सो पूरा फोकस आज की वीडियो का मैं कहूंगा कि बिल्कुल जो जिसको हम कहते हैं पीक और पिन पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, अपनी एनिमीज को छोड़ दीजिए, फिलहाल सोचना इसको छोड़ दीजिए कि आपकी कोई बड़ी एनिमीज है। याद रखिए मौलाना इस्लाम का एक फरमान मेरी नजर से गुजरा था और बड़ा खूबसूरत था, कहते थे कि अपनी रब को मत बताओ कि मुसीबत कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुसीबत को बताओ कि आपका परवरदिगार आपका रब आपका पालने वाला वो कितना बड़ा है। सो एग्जैक्टली कोई चीज उस मालिक के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं है। सो इस मामले पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह परवरदिगार की मदद जरूर हासिल होगी और इसके अलावा आप अपनी एनिमीज को थोड़ा सा बीट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो अब उनके फैसले आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इनको ड्रैग ऑन करें और कम अज कम एक महीना 23rd से 23rd अक्टूबर जो है इसको ड्रैग ऑन कर लीजिए। इन इस तरफ अगर आप कहें तो फिर ये फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी सवारी से मुतल्लिका कोई मामला आते हैं, कोई वरासती मामला आते हैं, इस टाइप के कोई केसेस हैं तो फिर उनको अवॉइड करना ही बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं इन मालूमात की रोशनी में आप अपने लिए जो है वो आप बेहतर इस हफ्ते को प्लान करेंगे। अपने हाथ में एक जमुरद पहनिए, अगर आप जमुरद अफोर्ड नहीं करते तो एक जेड पहनिए, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा। और स्पेशली अब मैं आपसे कहूंगा कि अपना जो नाइट बल्ब है अगर आप थोड़ी सी लाइट अफोर्ड करते हैं रात को सोते वक्त तो इसको ग्रीन कीजिए, ये आपके लिए समझ लीजिए कि एक रेमेडी है। इसको टोटका नहीं है, ये बिल्कुल 100% आजमाई हुई रेमेडी है, आप इसको करके देखें इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इजाजत चाहूंगा इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।